आजादी की 75वीं सालगिरह और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी समाज सेवी गोपाल खटे द्वारा भव्य दांडी यात्रा और विविध क्षेत्रों के ख्याति प्राप्त समाज सेवियों का सत्कार आयोजित किया गया, जहां समाज के विविध क्षेत्रों में निस्वार्थ भाव से सेवा प्रदान करने वाले समाज सेवियों को पूर्व मंत्री सुनील केदार के हाथों मान चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। 2 अक्टूबर 2022 को सम्पन्न इस भव्य दांडी यात्रा और सत्कार समारंभ के साथ ही महाराष्ट्र भूषण प्रबोधनकार पिलगावकर प्रति इंदुरकर महाराज के कीर्तन का आयोजन कृष्णा कॉम्प्लेक्स परिसर में किया गया, जहां हजारों भाविकों ने इसका लाभ लिया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर होने वाले इस भव्य आयोजन की अध्यक्षता क्षेत्र के विधायक और महाराष्ट्र राज्य के पूर्व पशु संवर्धन दुग्ध विकास क्रीड़ा और युवक कल्याण मंत्री सुनील केदार ने की। वहीं प्रमुख उपस्थिति में माननीय मनोहर कुंभारे पूर्व जिला परिषद उपाध्यक्ष नागपुर, वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. विजय घटे, शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष पवन जायसवाल, वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीकांत पांडे, साहिबराव विरखरे, डोमा साहब सावजी आदि की उपस्थिति में संपन्न दांडी यात्रा सत्कार समारंभ और महाराष्ट्र भूषण प्रबोधनकार पिलगावकर प्रति इंदुरकर महाराज के कीर्तन का लोगों ने लाभ लिया। साथ ही इस अवसर पर सैकड़ों जरूरतमंदों को मान्यवरों के हाथों कम्बल वितरित कर समाज सेवी और पूर्व नगर उपाध्यक्ष गोपाल घटे और सामाजिक कार्यकर्ता वैशाली घटे ने अपने सामाजिक दायित्व का परिचय दिया। इस अवसर पर अपने विचार रखते हुए पूर्व मंत्री सुनील केदार ने गोपाल घटे और वैशाली घटे की निस्वार्थ सेवा की प्रशंसा करते हुए कहा कि घटे परिवार यह आयोजन पिछले अनेक वर्षों से करते आ रहे हैं, जिसमें समाज प्रबोधन, समाज सेवियों का सत्कार और जरूरतमंदों को भेंट वस्तुएं प्रदान कर अपना सामाजिक दायित्व निभा रहे हैं। इनका यह कार्य राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के वैष्णव जन को तेने कही रे पीर पराई जाने रे इस भजन को चरितार्थ करता है। इस अवसर पर बस मैं इतना ही कहूंगा कि जो दूसरों की पीड़ा समझकर उन्हें मदद करता है वो ही सच्चा समाज सेवी है। NBCN न्यूज के लिए संवाददाता किशोर ढूंढेले की रिपोर्ट।